मित्रांनो, आपण रसिक श्रोत्यांच्या जिव्हाळ्याच्या कॉमेंट वाचून मन भरून येतो. आनंद वाटण्याच्या मनातली गाणी हा उपक्रम खरोखरच सगळ्यांच्या मनाला भावतो आहे. उत्साह शतगुणित होतो आहे. मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाईंनी अभिनय, संगीत दिग्दर्शन, गीतलेखन या क्षेत्रात प्रतिभा प्रकट केली. कलाक्षेत्रातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्रीने त्यांना गौरविण्यात आले. वसंत देसाई राज्यपाल नियुक्त सदस्य देखील होते. मनातली गाणीच्या फ्रेश एपिसोडमध्ये गुणी संगीतकार वसंत देसाईंना मानवंदना देऊया. कृपया संपूर्ण कार्यक्रम अवश्य ऐका. मलयगिरीदा चंदन गंधित धूप तुला दाविला स्वीकारा पूजाता उठी उठी गोपाला उठी उठी गोपाला दिशेला गुलाल उधळून पूर्व दिशेला गुलाल उधळून ज्ञानदीप लाविला ज्ञानदीप लाविला गोरस अर्पुन अवघे गोधन गोरस अर्पुन अवघे गोधन गेले यमुनेला धूप दीप नैवेद्य असा धूप दीप नैवेद्य असा सदुपचार चालला स्वीकारा पूजाता उठी उठी गोपाल गोपाल उठी
पड़े कौगड़ा, राजद्वारी धड़े कौगड़ा, राजद्वारी धड़े राजद्वार राजद्वारी धड़े कौगड़ा। शुभ काल दाहला, शुभ काल दाहला, सागर तीर ऋषि मुनि का, सागर तीर ऋषि मुनि का, वेद घोष कविने पंचम कर लाला, स्वीकारा पूजा बुढ़ी बुढ़ी गोपाल, बुढ़ी बुढ़ी गोपाल, बुढ़ी बुढ़ी गोपाल। हिंदी आणि मराठी चित्रपटांना अजरामर संगीत देऊन रसिकांच्या हृदयात मानाचे स्थान मिळवलेल्या महान संगीतकार वसंत देसाईंवर लहानपणापासूनच संगीताची मोहिनी पडली। त्यांची आई कीर्तनकारांची कन्या, कीर्तन हे अनेक कलांचे मिश्रण, पाठांतर, संवादफेक, बहुश्रुतता, गायन, संगीत इत्यादी। जन्मभूमी कोकणातील भजन कीर्तन दशावतारांनी त्या संस्कारात भर घातली। रसिक श्रोत्यांच्या मनात श्रवण मार्गाने कसे पोहोचावे हे त्यांना ज्ञात झाले। भर जरी गो पितांबर दिला फाडलो, द्रौपदी की बंधु शोभे नारायण, द्रौपदी से बंधु शोभे नारायण, सुभद्रा कृष्णाचा पाठची बहीण, विचाराया गेले नारद म्हणून, बोट श्री हरिचे कापले गोपाई, बांधायाला चिंधी लव कर दे, सुभद्रा बोलली, सुभद्रा बोलली, शालूनी पैठणी फाडू नका देऊ, चिंधी तुमासी मी, पाठची बहीण झाली वैरीण, द्रौपदी से बंधु शोभे नारायण। द्रौपदी बोलले हरीची मी कोण, परी मला त्याने मानली बहीण, परी मला त्याने मानली बहीण, काळजाची चिंधी काढून देईन, ये वढे तयाते माझ्या वरीन, बसने देवोन प्रभु राखी माझी लाज, चिंधीसाठी आला माझ्या दारी हरी आ, चिंधीसाठी
आता माझ्या दारी घरी आ। त्रैलोक्य मोन ते वसन दिले फाडून द्रौपदी ते पंथु शोभनारायणा भरदरी ग पिता बल दिला फाडून द्रौपदी ते पंथु शोभनारायणा प्रेमाचे लक्षण भारी विलक्षण जैसे जाची भक्ती तैसा नारायण रक्ताच्या नात्याने उपदेना प्रेम पटली पाहिजे अंतरीची खुण धन्य तोची भाऊ धन्य ती बहीण प्रीती जी करी ती जगी लाभावीन जगीला भाविन चिंधी पाहून हरी झाले प्रसन्न द्रौपदी ते बंधु शोभनारायण भरतरी ग पितांबर दिला फाडून द्रौपदी ते बंधु शोभनारायण व्ही शांताराम यांच्या प्रभात फिल्म कंपनीत पडद्यावर लहान मोठ्या भूमिकांमध्ये झळकले. सुप्रसिद्ध अयोध्येचा राजा या पहिल्या बोलपटात त्यांनी अभिनयही केला. तसेच सिनेमाचे संगीतकार टेंबे यांचे सहाय्यक म्हणूनही जबाबदारी पार पाडली. नंतरच्या काळात केशवराव भोळे मास्टर कृष्णराव या दिग्गज संगीत तपस्वीचे सहाय्यक संगीतकार झाले. Thank you.
कृष्णा माजी प्रीति संगम सखे साहार प्रीति संगम सखे साहार प्रीति संगम सखे साहार जगा मधे पहला आज आपुला प्रथम प्रीति सार संगम हाजाला संगम 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 चित्र तपस्वी वी शांताराम यांना वसंत देसाईंचे काही सरगम गुणगुणणे कानावर पडले. त्यांनी सुचविले संगीत का नाही बांधत. तिथून सुरू झाली संगीत यात्रा. 1943 शकुंतला या चित्रपटाला संगीत दिग्दर्शन करून वेगाने मार्गस्थ झाली. वी शांताराम यांच्या अनेक चित्रपटांना संगीत साज चढविला. वसंत देसाईंचे उल्लेखनीय संगीत दिग्दर्शित चित्रपट आहेत अमर भोपाळी, राम जोशी सारखे हिंदी आणि मराठी चित्रपट, झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई, दो आखे बारा हात, गुड्डी इत्यादी हिंदी संस्मरणीय चित्रपट. नाट्य संगीत हा श्रोत्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. पंडित जगन्नाथ, जय जय गौरी शंकर, प्रीती संगम
या नाटकांना वसंत देसाई यांनी दिलेले संगीत आजही श्रोत्यांचे हृदय काबीज करत आहे. चित्रपट गीतांबरोबरच त्यांनी नाट्यगीत, बालगीत, अभंग, समरगीत, लावणी, स्फूर्तीगीत अशा विविध प्रकारात चौफेर घोडदौड केली. 1966 भारतरत्न सुबुलक्ष्मी यांच्याकडून संयुक्त राष्ट्रदिनी कांचीपीठाचे शंकराचार्यांनी लिहिलेले संस्कृत गीत त्यांनी संगीतबद्ध केले. संगीतकार वसंत देसाई यांनी त्यांच्या कालखंडात अनेक महान गायक गायकांची गाणी रेकॉर्ड केली जी आजही लोकप्रिय आहेत आणि रसिकांच्या जीवनात आनंद भरत आहे. शत्रु संगे युद्ध आमुचे सुरू जिंकू किंवा मरू
मरू सैनिक लड़ू नागरिक लड़तिल महिला लड़तिल बालक शर्थ लड़ा ती करू दिंकू किंवा मरू दिंकू किंवा मरू देश आमुटा शिवरायाचा वाल्या रणराणीचा शिर तळ हाती धरू जिंकू किंवा मरू जिंकू किंवा मरू मानसीचा शत्रू संगे युद्ध आमचे सुरू जिंकू किंवा मरू घाता शस्त्र उत्तर भूई न देवु एक तसू भर मरू पुनः अवतरू जिंकू किंवा मरू जिंकू किंवा मरू हानि हो वो किती ही भयंकर पिढ्या पिढ्या हे तालो संगर अंती विजयी ठरू जिंकू किंवा मरू जिंकू किंवा मरू मानुषीचा शत्रू संगे युद्ध आमचे सुरू जिंकू किंवा मरू दोस्तों महाराष्ट्र के निसर्ग सौंदर्य संपन्न कोकण विभाग के सोनावड़े गांव में 9 जून 1912 को जन्मे महान संगीतकार श्री वसंत देसाई जी ने मातृभाषा मराठी और राष्ट्रभाषा हिंदी में संगीतकार के रूप में खूब नाम कमाया। उन्होंने मराठी फिल्मों नाटकों से दुगुने हिंदी सिनेमा में संगीत साज प्रदान किया। आइए सुनते हैं कुछ चुनिंदा गीत। Thank you.
बदली कमान कैसे मारूं प्रीत का बान गए कुशल संगीतकार वसंत देसाई सुप्रसिद्ध प्रभात फिल्म कंपनी के साथ तब से थे जब से सिनेमा बोलने लगा था। टॉकीज। वसंत देसाई जी ने अभिनय, गायन और संगीत कंपोजिशन में योगदान दिया। फिल्में थी धर्मात्मा, संत ज्ञानेश्वर। जैसे ही वसंत जी को श्रोताओं की पसंद की समझ आ गई, उन्होंने खुद स्वतंत्र रूप से संगीत दिग्दर्शन शुरू किया। का पर
महान संगीतकार वसंत देसाई ने ज़्यादातर वी शांताराम की फिल्मों को संगीत से संवारा। बाद में वसंत देसाई ने अपने स्वयं के फिल्म स्टूडियो की स्थापना की। कुछ आपसी मतभेदों के चलते 1950 के आखिरी महीनों से दोनों ने साथ साथ काम नहीं किया। बल
महलों का त्याग किया, ले एक तारा चली ढूंढने मनमोहन का कहां पता। संगीतकार वसंत देसाई जी के बहुत से गीत भाव विभोर कर देते हैं हमें और मानो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम सुनते सुनते। शास्त्रीय संगीत की अचूक समझ, ताल रिदम पैटर्न का नित्य नूतन प्रयोग उनके गीतों को बेमिसाल सिद्ध करता है। चंदा चमके गंगा जमुना में बहे पानी, जब तक सूरज चंदा चमके गंगा जमुना में बहे पानी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी। रानी याद मिलन जी हो, रानी याद मिलन की ये रात रहे, पिया याद मिलन की ये रात रहे,
हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। कहाँ छुपे साथियों, ऐसा कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई ने रिवर्बरेशन एंड एको फिल्म म्यूजिक में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। आज तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है, लेकिन उस जमाने में वसंत जी ने कितनी कठिनाइयों से यह साध्य किया होगा। शबनम की परछाइयां,
परियां बजाती हैं शहनाइयां, चांद किरणों की जाली पहन झूमता चांदनी ले रही देखो अंगराइयां, टिम 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 तारों के दीप जले नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले प्रीत है, टिम 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 तारों के दीप जले नीले आकाश चले, हम दोनों की प्रीत पले, टिम 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 तारों के दीप जले नीले आकाश चले, हम दोनों की प्रीत पले। दोस्तों, इन गुणी संगीतकार वसंत जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महान संगीतकार वसंत देसाई जी शायद एकमात्र ऐसे संगीत दिग्दर्शक हैं जिनके गीत भारत और पड़ोसी देश में प्रेरणादायक प्रार्थना गीत के रूप में सुने जाते हैं। पहला, ए मालिक तेरे बंदे हम, प्रार्थना पाकिस्तान में। दूसरा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। यह गीत हम अब सुनेंगे मशहूर शास्त्रीय गायिका वाणी जयराम जी की आवाज़ में, जिनसे पहली बार संगीतकार वसंत देसाई जी ने हिंदी गीत गवाया था।